खबरें विस्तार से। सावधान, यदि आपके पैसे बैंकों में है तो किसी की नजर उस पर है और कभी भी पैसों की निकासी भी हो सकती है। कदमा के कुछ लोगों के साथ ऐसा ही हुआ, उनके खातों से रातों रात हजारों रुपए निकासी कर लिए गए हैं। यदि आपके बैंकों में खाते हैं तो सावधान, हैकरों की नजर उस पर है और कभी भी आपके खाते से निकासी हो सकती है। कदमा थाना पहुंचे भुक्तभोगियों की सुने तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। लोगों की मेहनत की कमाई इस प्रकार कोई आसानी से हड़प ले तो सहजता से विश्वास नहीं होता। कदमा थाना पहुंचे निशांत स्वाइन के खाते से 24 सितंबर की रात किसी ने 24,000 रुपए, रमेश बास्के के खाते से 46,000 रुपए निकाल लिया। उन्होंने थाने में FIR दर्ज करवाया है। बैंक ऑफ इंडिया के ATM से, हमारा ATM है, ये पिछले 24 तारीख को 2:14:44 में मेरे अकाउंट 44 सेकंड में और 45 सेकंड मतलब एक सेकंड के डिफरेंस में मेरे अकाउंट में 46,000 रुपये थे। ये एक सेकंड के अंतराल में ये पूरा रकम निकासी हुई है। किस क्षेत्र से निकाला है ये? अभी तक तो बैंक मैनेजर ने ऐसा कुछ कहा नहीं। ये जिस तरह का कोड आ रहा है, कोड से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये मुंबई की अकाउंट है निरुपमा स्वाइन के नाम से। ये जो 25,000 का ट्रांजेक्शन है एक टाइम में निकाला जाता है, ये ज़्यादा कैसे निकल जा रहा है? बैंक का जब हैकिंग हो रहा है वो अपडेट क्यों नहीं रख रहे अपने सिस्टम को? कितना अमाउंट आपका निकाला गया? मेरा 26,580 रुपीज़। ये कब निकाला गया? ये 24 तारीख के रात को चला कि इनका भी निकला है 46,000। तो मैं इनके साथ में हूँ। अभी कदमा थाना में FIR कर लेंगे? हाँ, मैं कर दिया हूँ सारा। ये मेरे नाम से कदमा उलियान ब्रांच में अकाउंट है। रात को मैं सोया हुआ था और 2:15 में मेरा पैसा काट लिया गया। सुबह मैंने मैसेज देखा तो 50,000 निकल गया। 7:30 मैंने मैनेजर को तुरंत फ़ोन किया कि मैं जमशेदपुर में हूँ, मेरा पैसा कैसा निकला। 10 बैंक में गया, जाके उनको ATM दिखाया कि ATM मेरा पास रहते हुए इस तरह से पैसा निकल गया है। तो उन्होंने तुरंत मेरे ATM को ब्लॉक करवाया और उसके बाद एक कंप्लेंट मैंने बैंक में दे दिया। और देने के बाद मुझे 4-5 दिन के बाद यानी कि 25 तारीख को मुझे स्टेटमेंट दिया गया कि मुंबई शांता ग्रुप से पैसा निकल गया है। राज्य में शैक्षणिक अराजकता और अव्यवस्था के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने साक्षी गोल चक्कर पर मुख्यमंत्री का पुतला फूका। डाला भाई सरकार, हाय हाय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बीते दिनों रांची में एक व्यापक प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, जिसमें निहत्ते छात्रों के ऊपर प्रशासन ने जमकर लाठियां चलाई। इसके विरोध में आज हमने हेमंत सोरेन सरकार का और हेमंत सोरेन का आज हमने पुतला दहन किया है। ईस्ट प्लांट बस्ती के रहने वाले ओम प्रकाश नामक युवक की संदेहास्पद तरीके से घर के पास ही गिरने से मौत हो गई। पेशे से वह चालक था। ईस्ट प्लांट बस्ती के रहने वाले पेशे से चालक ओम प्रकाश की पत्नी सोनी देवी के अनुसार वह घर से बोलकर निकला था कि वह ट्रेलर लेकर बाहर जा रहा है, पर घर के पास ही गिरने से मौत हो गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मामले को संदेहास्पद पाकर पत्नी से पूछताछ की। उसमें गाड़ी निकलने वाला था, बोले लोड गाड़ी है जाएंगे, एडवांस लेके आ गए, बोले आ रहे तो फिर, हम बोले कहाँ जा रहे, फिर तो बोले तुरंत फिर गए तो आधा घंटा बाद आए तो गिरे, गिरवाड़ी खोले तो वह गिरे हुए थे। अच्छा, गिरे हुए थे तो क्या मैंने क्या कुछ तब हम वो चिल्लाने लगे तो सब बोला हॉस्पिटल ले जाओ अगल वाला। मामला सवेरे सूचना मिली कि एक आदमी को कुछ आदमी बोला जो मार दिया है, कुछ आदमी बोला जो गिर गया, चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई है। जब बर्मा माइंस थाना के थाना प्रभारी द्वारा देखा गया तो उसमें सर के पीछे में खून बहता जख्म, गर्दन पर निशान का है और चेहरा पर खरोंच का है। ऐसे ऐसा लगता है कि जो मारपीट कर हत्या के जैसा प्रतीत होता है।
बिष्टुपुर बाजार में शुक्रवार को जिस्को के अधिकारी स्तर के लोगों ने खुद हाथों में झाड़ू उठाकर साफ सफाई अभियान चलाया। बिष्टुपुर बाजार में साफ सफाई अभियान चला रहे जिस्को के अधिकारियों का कहना है कि खुद यदि आगे नहीं आएंगे तो दूसरों के सामने उदाहरण कैसे पेश करेंगे। उन्होंने हाथों में झाड़ू लेकर घंटों बाजार में सफाई अभियान चलाते रहे। जिम्मेदार नागरिक जिम्मेदार शहर के नारे लगाते हुए उन्होंने लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। एक सफाई अभियान श्रमदान का आयोजन किया हम लोगों ने। जनरल दुकानदार लोग अवेयरनेस पॉलिथीन का जो यूज कर रहे हैं, जो पॉलिथीन हटाने का लिए हम लोग कह रहे हैं कि पॉलिथीन बंद कर दिया, बंद कर दिया, बंद या नहीं यूज करें, जो कि बहुत घातक है हमारे लिए। कोई बच्चे नहीं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हमारे साथ। केवल स्लोगन स्लोगन उनको भी पता चले अवेयरनेस हो, और जब वो एडल्ट हो तो इस तरह के अवेयरनेस कैंप में ये पार्टिसिपेट करें, जिम्मेदार नागरिक बने और लोगों को अपने आसपास भी लोगों को और अपनी फैमिली में सिखाए। लेकिन हम उनसे कचरा नहीं उठवा रहे हैं। बिष्टुपुर कमानी सेंटर स्थित यूनियन बैंक के कैश काउंटर से उचक्कों ने कैशियर को बातों में उलझा कर 10 लाख रुपए उड़ा दिए। कमानी सेंटर स्थित यूनियन बैंक में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक महिला कैशियर ने काउंटर से 10 लाख गायब होने की बात कही। महिला ने कहा कि कुछ युवकों ने उसे बातों में उलझा कर रखा और इसी दरमियान पीछे से काउंटर के अंदर से घुसकर 10 लाख गायब कर दिए गए। उस समय बैंक में काम चल रहा है और सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हैं। सूचना पाकर सिटी एसपी कार्तिक एस वहां पहुंचे और पूछताछ और जांच जारी है। दरवाजा खोल के रखे थे और उसको वाला पैसा वहां रख के फिर जाते थे वहां? ये नहीं, अंदर में ही थे, हम अंदर में ही थे। वो हमको वो आदमी हमको ऐसा उलझना, उसको बोल देना है। एटीएम के पास जाना पड़ता था आपको? नहीं नहीं, वो उधर नोट छाट रहा था तो हमको, तो हम बैंक का इंचार्ज है तो हमारा भी तो खर्च बनता है ना कि हम उसको देखे की ठीक ठाक ना। बार बार आप लेते हैं कि नहीं देखे उसको? नहीं, आप लेते हैं ना? लेते हुए हम नहीं देखे उसको। हमको लगा कि एक तो आदमी यहाँ से निकल गया, मैंने यहाँ पर हमको दिखा वो थोड़ा ऐसा करके रखा हुआ है। हमको लगा ये तुरंत हमको लगा यहाँ पर हमको तो भी समझना चाहिए कि मेरा पैसा हमको तुरंत नहीं मिल सकता है ना। कितना लोग थे और क्या कितना पैसा गया है बैंक? अरे उनका 10 लाख वो कैशियर का कमरे के अंदर घुस के आराम से लेके गया। डीटीओ संजय कुमार कुजूर ने कहा कि ऑनलाइन टैक्स जमा करने वालों को अब आईसीआईसी बैंक में नकद जमा करना होगा और बैंक के माध्यम से उनका टैक्स जमा हो जाएगा। वे न्यूज 10 से बातचीत कर रहे थे। ये चालान से संबंधित नहीं है। जैसा आपको पता है कि अप्रैल 2014 से जो कमर्शियल व्हीकल है उसका टैक्स ऑनलाइन जमा किया जाता है। इस पे परिवहन विभाग को महसूस किया गया कि जो छोटे जो वाहन मालिक हैं, टेम्पो हो गए या मिनी बस हो गए या सिंगल ट्रक ओनर हो गए, उन लोग को ऑनलाइन टैक्स जमा करने में बहुत सारी कठिनाई हो रही थी। प्रज्ञा केंद्र या वो लोग साइबर कैफे से वो लोग जमा कराते थे और उसको अपना टैक्स के अलावा और पैसा वगैरह भी उन लोग को फीस के तौर पर वहाँ पर देना पड़ता था। तो ये कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि आईसीआईसीआई बैंक में काउंटर खोला जाएगा। जिन लोगों को ऑनलाइन टैक्स जमा करना है वो वहाँ पर जाएंगे, कैश जमा करेंगे और उनका टैक्स बैंक के माध्यम से ऑनलाइन हमारे अकाउंट में जमा हो जाएगा।